रिसेंटली आयुष शर्मा की रुसलान के ऑपोजिट एक मराठी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है जुना फर्नीचर, स्टारिंग महेश मांजरेकर सर इन द लीड। आप कैसी लगी ये फिल्म आए वीडियो में आगे जानते हैं, पर उससे पहले वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्वरण 2 घंटे 30 मिनट की लंबी चौड़ी फिल्म है जो गोविंद पाठक एंड सुहासिनी पाठक की कहानी है, जिनका एक बेटा है जो IAS ऑफिसर बन चुका है, बट ये वक्त नहीं देता, मतलब महीने में सिर्फ एक दिन मिलने आते हैं, बट कभी कभी तो इससे ये भी नहीं हो पाता और एक दिन ऐसा आता है जब सुहास तबियत खराब हो जाती है, उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज किया जाता है और जगह पे उनकी डेथ हो जाती है, बट उस वक्त भी उनका बेटा उनके साथ नहीं होता। एंड इनके फादर यानी कि गोविंद पाठक अपने बेटे पे केस ठोक देते हैं ये बोल के कि उनकी वाइफ यानी कि इसकी माँ की डेथ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, एंड इन रिटर्न एक बहुत बड़ी अमाउंट की मांग करते हैं। अब फिल्म के स्टार्टिंग में यही बात आपको अनरियलिस्टिक लग सकती है, ये सोच के कि ये सारी घर की बातें घर में सॉल्व करनी चाहिए, कोर्ट में जाके सबके सामने तमाशा करने से क्या फायदा। देखो एक बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरी फिल्म आपको अच्छी लगे या ना लगे ये आपका लुकआउट है, बट इंटरवल ब्लॉक सीन पे आप तालियां जरूर बजाओगे, दैट वाज द विनिंग मोमेंट ऑफ द फिल्म। आता मराठी मतलब महेश मांजरेकर सरांनी जो एक्टर किंवा कलाकार म्हणून खरंच खूप चांगलं काम केलंय, मला त्यांच्या डायरेक्शन पेक्षा त्यांची ऍक्टिंग सर्वात जास्त आवडली आहे। या सिनेमामध्ये त्यांची ऍक्टिंग बघून असं वाटलं की विंटेज वाले महेश मांजरेकर पुन्हा एकदा परत आले। इंटरवलच्या आधी 30 मिनिटाचा सीन आहे जिथे महेश मांजरेकरचा कॅरेक्टर म्हणजे गोविंद पाठक हे जजला सांगतात की त्यांनी पैशाची मागणी का केली आहे, त्यांनी त्यांच्या मुलावरती आणि मुलासाठी केलेला खर्च म्हणजे 1 रुपयाचा ज्या प्रकारे त्यांनी हिशोब लावला आहे खरंच तुम्ही टाळ्या शिट्या वाजवाल। तर तुम्ही हा चित्रपट तुमच्या फॅमिली सोबत पाहणार आहात तर तुमच्या आई वडिलांना हा सीन तर नक्कीच आवडेल। तर हा एक असा सिनेमा आहे जो फक्त एंटरटेनमेंट साठी नाही तर शिकणे आणि शिकवण्यासाठी बनलेला आहे, जो तुम्ही एकदा नक्कीच बघू शकता। या फिल्म के स्टार्ट से लेके एंड तक महेश मांजरेकर सर और उनके कैरेक्टर ने वन मैन शो वाला काम किया है, पूरी फिल्म को इन्होंने अकेले चलाया है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस में फिर भी महेश मांजरेकर सर को टॉप रेट करना चाहूंगा, एंड देन उसके बाद आते सचिन खेड़ेकर, उपेंद्र लिमिया एंड भूषण प्रधान। इस फिल्म के एंड में मराठी सॉन्ग को रिक्रिएट किया गया जिसका रिप्राइज वर्जन फिल्म में दिखाया और सुना है जो बहुत ही अच्छा है, बट बाकी फिल्म का BGM नॉट अप टू द मार्क। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको ऑडियंस एंगेजमेंट अनदर लेवल वाली देखने को मिलेगी, आप जरा भी बोर नहीं होंगे इसके मैं गारंटी देता हूँ। इस फिल्म की राइटिंग मुझे फर्स्ट हाफ में बहुत स्ट्रॉन्ग लगी, बट इसी के कंपेरिजन में सेकंड हाफ आपको थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर लग सकता है। फिल्म एक ऐसा मोमेंट दिखा है जहाँ पे आपको लगेगा कि क्लाइमेक्स आ चुका है, फिल्म अभी खत्म होने को आ गई है, बट वहीं पे मेकर्स ने एक ट्विस्ट ऐड कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड था। अब फिल्म के सेकंड हाफ में मेकर्स ने जो ट्विस्ट ऐड किया वो कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, किसी को अननेसेसरीली स्ट्रेच किया भी लग सकता है। अब इस बात को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि फिल्म की डायलॉग राइटिंग और स्क्रीन प्ले दोनों अच्छे हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है, बट प्रॉब्लम है डायरेक्शन के साथ जो फिल्म के क्लाइमेक्स में एकदम पुअर क्वालिटी वाला लग रहा था। इस फिल्म में जितने भी इंडोर सीन है उनके सिनेमेटोग्राफी डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन अच्छी है, बट आउटडोर वाले सीन बहुत ही खराब है, समझ नहीं आ रहा था कि इस फिल्म को सच में महेश मांजरेकर सर ने डायरेक्ट किया है। आता मराठीत म्हणलं तर काही महिन्यांपूर्वी आता वेळ झाली नावाचा एक मराठी सिनेमा आला होता आणि त्या सिनेमाची सुद्धा सेम प्रॉब्लेम होती, फिल्मचे इंडोर सीन तर चांगले होते पण आउटडोर सीनचं डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी खरंच खूप पुअर होते। आता वेळ झाली आणि जुना फर्निचर या दोन्ही चित्रपटाचे एंडिंग वाले सीन सुद्धा ऑलमोस्ट सिमिलर आहे। मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय, लालबाग परळ, काकस्पर्श, नट्ट सम्राट, पांघरुण आणि शिक्षणाच्या आईचा गो सारखे चित्रपट बनवणाऱ्या व्यक्तीचं डायरेक्शन ही अनोखी गाठ आणि जुना फर्निचर सारख्या सिनेमांपासून एकदम खालच्या थराला गेला आहे। ऍज अन ऍक्टर म्हणून त्यांचा कमबॅक तर झाला पण डायरेक्शनच्या बाबतीत अजूनही मी त्यांच्या कमबॅक सिनेमाची वाट बघत आहे। एक ओव्हरऑल फिल्म को इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाईन अँड स्क्रीन प्ले मी फिल्म को आउट ऑफ 5 3 की रेटिंग तो डेफिनेटली दे सकतो, बट डायरेक्शन की बात करू देन आउट ऑफ 5 सिर्फ 2 की रेटिंग देना चाहूंगा। स्पेशली क्लाइमेक्स में फिल्म के डायरेक्शन से तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा इस फिल्म को लेकर सेटिस्फेक्टरी एक्सपीरियंस रहा। सो मेन वेल अगर आप में से किसी ने फिल्म देखी आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।